राम राम से सभी को। खंबा गणी सा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों अभी मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ ईश्वर की कृपा से यानी हमारे बजरंग बली की कृपा से रोज़ यहाँ पे खाना वितरित किया जाता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ का आनंद लेते हैं। बस कृपा है इसलिए रोज़ जो है यहाँ पे भी खाना मिलता है सुबह के टाइम 9:15 बजे। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ वो कौन सी जगह है, लोकेशन क्या है। हनुमान जी हैं और इनका जो नामकरण है वो है कल्याणकारी हनुमान जी महाराज। और ये बता दो लोकेशन कहाँ है। सामने काशीराम सर्किल है, जो काशीराम सर्किल से जब आप जाते हो स्वर्ग रोड की तरफ और ये जो सब्जी मंडी जाते हैं तो इधर कॉर्नर पे इनकी स्थापना हुई थी। पंडित जी कब स्थापना हुई हनुमान जी की? श्री श्री 1008 श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की स्थापना 25/5/2013 में न्यू स्थापना हुई थी। अच्छा। और छोटा सा मंदिर साइड में हनुमान जी का था। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन है जन कल्याण सेवा समिति का, वे 1993 से रजिस्ट्रेशन है। 13 में किसी बड़े भगत ने मूर्ति को खंडित कर दिया, निशाचर नहीं कहेंगे, कोई बड़ा भगत था जिसने उसको खंडित कर दिया, विसर्जन हरिद्वार में ले जाके यानी 25 मई 2013 को इसकी न्यू स्थापना की गई। समिति की तरफ से गरीबों को असाध्यों को सुबह 9 बजे से 5/8/2014 से निःशुल्क भंडारा चलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये जो भंडारा है इसके लिए जो हम देखिए जो पैसे जो होते हैं, हाँ, जो वो कहाँ से मतलब मिलते हैं? बाबा के कोष में भक्तों के जरिए। अच्छा। भक्तों के जरिए जो भी भगत अपने श्रद्धानुसार कुछ भी एक से अनंत तक देता है कोष में जमा होते हैं और उन्हीं के जरिए ये भंडारा स्वचालित रूप से चलाया जा रहा है। मतलब जो भंडारा है उसका डेली का खर्चा कितना आ जाता है? डेली का खर्चा आप ये लगाओ समथिंग 5,000 तो आप लगाइए। 5,000 कितने लोगों को? 100 आदमियों का डेली का, यानी कि सुबह 9:15 बजे भोग लगता है डेली निःशुल्क गरीबों का, साधुओं का। तो बाबा की कृपा ऐसी कि कभी मतलब पैसों की कमी नहीं पड़ती। हाँ, कमी नहीं पड़ती है। किसी दिन कोई भगत आता भी नहीं है तो हमारी जो समिति है जन कल्याण सेवा समिति वे अपनी तरफ से करती है। विराज कोष में वो भक्तों का ही पैसा रहता है पीछे को, उसमें से कर देती है, खाली नहीं जाने देते हैं। तो इस समिति में अभी कितने लोग हैं? समिति में 11 सदस्य हैं। शुद्ध चांदी के बर्तनों में बाबा का प्रसाद लगाया जाता है। तो डेली कुछ न कुछ मीठा होता है। हाँ, पलटता हुआ चलते हैं प्रसाद में। आज सब्जी है और चपाती है। चपाती है। हाँ। और तो हाथ की सिक्की। हाँ, हाथ की सिक्की हुई है। और ये सब्जी किसकी है? सब्जी देखो रोज अलग अलग मीनू अलग अलग। आज झोल है आलू की सब्जी। आलू सब्जी है और चावल भरे आलू सब्जी की। अच्छा, चावल भी बना। हाँ, चावल भी बनते हैं। तो पलटता हुआ मेनू चलता है। पलटता हुआ मेनू चलता है। खीर पूरी है, कभी चावल है, कभी सीमी है। सीमी की खीर रनती है, 11 को सीमी की खीर रनती है। खीर पूरी होती है तो खीर रनती है, नहीं तो सीमी रनती है। इस टाइम का इंतजार हो रहा है बस, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही टाइम होगा भोग लगेगा। ये अंकल जी जो है लेके जाते हैं प्रसाद को बाबा के भोग लगाते। ये प्रसाद आ गया। प्रसाद के लिए माता जी का आह्वान और तोड़ना। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रसाद वितरण के लिए देखिए लाइन लग चुकी है और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको खाने की जरूरत होती है। वो पूर्ति भगवान ईश्वर के जरिए होती है। और ये मैं धन्य हूँ कि मैं आज इनकी वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं क्या कर्म किए होंगे जो आज
मुझे इनकी वीडियो बनाने का मौका मिल गया। भैया अंकल आंटी जी, ये भगवान जी का पानी। शुक्रिया ईश्वर, ये जब ऐसे काम होते हैं ना तो हमें फील होता है कि ईश्वर अभी भी है, राम अभी भी जिंदा है। वो देखिए, इनका कोई वो नहीं है, लोभ नहीं है इन चीज़ों से, निस्वार्थ काम बोलते हैं ना जैसे पन्नी देते हैं, रोटी जो लेते हैं घर के लिए लेते जाते हैं। ये माँ है आपका हमारी, रोज खाने परिवार के हिसाब से खाना मिलता है यहाँ पे। हो अच्छा अच्छा राम राम आंटी, दोनों टाइम की दी आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे चावल लड्डू, उनके बाबूजी चावल दे रहे हैं। बाबूजी कितनी उम्र हो गई आपकी? 82 साल। भगवान के काम में आप हाथ बटा रहे हो आप भी, जब तक शरीर चल रहा है कर लेते हो। चलो बढ़िया बात, बाबा को बहुत और ड्यूटी के पाबंद है, ड्यूटी के पाबंद है, कभी छुट्टी नहीं करते हैं। हमारी छुट्टी हो जाएगी बाबा छुट्टी। अच्छा अच्छा, सर्दी बारिश पार्टी बहुत अच्छी, सर्दी बारिश में कुछ भी आओ। ये सब घर के खाना मिलता है, कोई भूखा नहीं सोता है बाबू जी। अच्छा अच्छा, तो ये वो लोग होंगे जो जिनके पिता जिनके पुत्रों ने इनको मतलब बाहर बाहर निकाल दिया है ना। अच्छा नहीं है तो उनका यहाँ से चलता है। तो भाई खाना वितरित होता रहेगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, लगा होगा पॉजिटिवनेस तो आई होगी। तो आपको बता दूँ, अगर आप स्वेच्छा से कुछ दान करना चाहें तो इस मंदिर में आएँ और दान कीजिए, 1 रुपये से ले कर जहाँ जितनी इच्छा हो। तो राम राम सर सभी को, अम्बा गणी सर राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत, जय बजरंगबली।